हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मैथ गुरु पवन वाघ। अवर टुडेज टॉपिक इज सर्कल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, डायमीटर एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, द सर्कुलर रीजन, सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कुलर रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स एंड एंगल्स इन द सेमी सर्कुलर रीजन। First of all, we will see the definition of the circle. A round plane figure whose boundary consists of points equidistant from a fixed point. एक ऐसा round plane figure जिसकी जो boundary है वो एक fixed point से equidistant है। देखिए आप इस O center से अगर आप यहाँ जाते हैं और ये सारा यहाँ से लेकर के आप इस point से लेकर के जब आप circle के चारों तरफ यहाँ घूमते हैं पूरा, ये सारा का सारा जितना भी डिस्टेंस है ओ से, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से यहाँ देखिए, आप यहाँ से यहाँ देखिए, दिस ऑल डिस्टेंस आर इक्वल। तो ये इक्विडिस्टेंट है, ये सारे इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। अगर हम इसे समझना चाहें तो सिंपल सी बात है, सर्कल हम सबने देखा है, बैंगल्स, गर्ल्स दे वेयर बैंगल्स, जो बैंगल है वो भी एक सर्कल है। मम्मी चपाती बनाती है हमारी, वो भी एक सर्कल है, लेकिन हमें उसका सेंटर पता नहीं होता। अगर आपको सेंटर, उसको सर्च कर सकते हैं आप, तो अगर उसका सेंटर दिया हो, जैसे यहाँ पर एक सेंटर दिया है, अगर आप यहाँ खड़े होते हैं और आपका एक फ्रेंड यहाँ खड़ा होता है और आपने बीच में एक रस्सी पकड़ के आप खड़े हैं, और अगर आप आपके फ्रेंड को ये कहते हैं कि मेरे चारों तरफ घूमो, तो होगा क्या, वो जिन जिन पॉइंट से होकर जाएगा वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट अ सर्कल। हम इससे एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्लेन फिगर बाउंडेड बाय सिंगल कर्व्ड लाइन, एवरी पॉइंट ऑफ विच इज इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द फिगर। यहाँ का कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर का, ये ब्लैक जो बाउंड्री है इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट को अगर आप ओ से ज्वाइन करते हैं, यू विल गेट अ लाइन सेगमेंट, और उस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस अदर लाइन सेगमेंट के डिस्टेंस के इक्वल होगा। देखिए, ओ से आप यहाँ जाइए, ओ से आप यहाँ जाइए, और ओ से आप यहाँ जाइए, यू विल गेट द सेम डिस्टेंट, और इसी डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आर आपको दिया है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस, मीन्स यहाँ पर अगर आप खड़े हैं और यहाँ तक का डिस्टेंस, अब यहाँ खड़े हैं यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये सर्कल इट्स अ कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स, जितना आउटर बाउंड्री है ये जो है, दीज आर द देर आर इन्फिनिट पॉइंट्स। तो आप यहाँ इन्फिनिट इन्यूमरेबल रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, और उस सब रेडियस की जो लेंथ होगी वो इक्वली होगी। यहाँ रेडियस को हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अनादर एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आप रेडियस को देखते हैं तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, एक एंड पॉइंट उसके सेंटर पे हो और एक एंड पॉइंट सर्कल पे हो, तो ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट हैं, एक एंड पॉइंट सर्कल के सेंटर पर है और एक सर्कल पर है, और उसको जब आप इसको ज्वाइन करेंगे यू विल गेट अ रेडियस। अ सर्कल हैज इन्यूमरेबल रेडी, रेडियस को हम प्लूरल में रेडी बोलते हैं, तो देर आर सो मेनी इन्यूमरेबल रेडी, आप कितनी भी रेडीज ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये वाला पार्ट देखिए आप, दिस वन, ये वाला देखिए, दिस वन ऑल्सो, ये सब 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 रेडियस है। डायमीटर ऑफ द सर्कल, the line segment which passes through the center of the circle and whose end points lies on the circle। अब एक ऐसा line segment जो circle के center से होके जाता है और उसके end point circle के ऊपर है, उस line segment को हम diameter कहते हैं। A line segment which passes through the center of the circle and whose end point lies on the circle, उसके end point जो है वो circle के ऊपर होते हैं, इसको हम डायमीटर कहते हैं। और अगर डायमीटर देखें तो देखिए,
डायमीटर होता है 2R। क्यों? देखिए आप यहाँ से आप इस साइड जाएंगे तो ये रेडियस है सर्कल तक, और आप यहाँ से यहाँ जाएंगे ये भी रेडियस है, तो रेडियस प्लस रेडियस ये बनता है डायमीटर। ओके, हम इसको अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर जो डायमीटर होती है वो सर्कल की बिगेस्ट कॉर्ड भी होती है। सो इट्स अ बिगेस्ट कॉर्ड जो सेंटर से होके जाती है। कॉर्ड मीन्स कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हो, लेकिन वो अगर सेंटर से होके जाता है तो दैट इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड विच वी से इट इज अ डायमीटर। डाय अ सर्कल हैज इनुमरेबल डायमीटर्स। ये देखिए, एक डायमीटर ये है, एक डायमीटर ये है। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस वाई, देखिए ये आर प्लस ए आर, ये 2R हो जाएगा, मतलब 2 इंटू रेडियस हो जाएगा। अगर आप रेडियस को डबल करते हैं तो आपको डायमीटर मिलता है, और अगर आपके पास डायमीटर है आप डायमीटर को हाफ करते हैं तो आपको रेडियस मिलता है। ये दो फार्मूले आपको ध्यान रखना है। कॉर्ड ऑफ द सर्कल, देखिए द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड क्या होती है? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, एक लाइन सेगमेंट आपको मिलेगी, और वो लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। देखिए आप, द डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड अ सर्कल हैज इननुमरेबल कॉर्ड्स। ये देखिए, ये कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड एंड इट इज अ डायमीटर विच इज कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। वील सॉल्व सम क्वेश्चन हियर। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमको रेडियस दे के रखी है, वी हैव टू फाइंड डायमीटर। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे डायमीटर का। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो जो रेडियस दे के रखी है हम इसको डबल करना है, 2 इंटू 5 विल गेट डायमीटर 10 सेंटीमीटर। अगर आपको डायमीटर दे के रखा है एंड आपको ये कहा जाए कि रेडियस फाइंड करो, तो अगेन वी विल राइट द फार्मूला, रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2। तो डायमीटर की वैल्यू हम 14 यहाँ पुट करते हैं अगर, तो विल गेट 14/2 मीन्स दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप डायमीटर फाइंड कर सकते हैं अगर आपको रेडियस दिया है, और आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं अगर आपको डायमीटर दिया है। हम यहाँ और दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेडियस इज इक्वल्स टू 3.5, हमें डायमीटर फाइंड करना है, द सेम विल यूज़ डी इज इक्वल्स टू 2R एंड हियर 2 इंटू 3.5। 3.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते यू विल गेट 7 सेंटीमीटर। हियर वी हैव टू फाइंड रेडियस, द डायमीटर इज गिवन 11, सो यूज द सेम फार्मूला हियर, आर इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2। तो डी कितना है? 11 है, 11/2 मीन्स 5.5 सेंटीमीटर। लुक एट द फिगर, आप ये देखिए, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ ए इज द रेडियस। ओ ए एक रेडियस है, ओ पी भी एक रेडियस है, और ओ क्यू भी एक रेडियस है, एंड पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट्स एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। और यहाँ आप देखिए आर एस जो है वो कॉर्ड है, दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यहाँ देखिए ये जो सर्कल है इसका सेंटर पी है, तो यहाँ पर पॉइंट एस एंड टी दे आर ऑन द सर्कल। सी पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर पॉइंट एस एंड पॉइंट टी। पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो इंटीरियर मतलब अंदर के साइड में कौन से पॉइंट्स है? पॉइंट ए, पॉइंट जे, पॉइंट पी, ये 3 पॉइंट है, दे आर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। एंड पॉइंट के एंड पॉइंट बी दे आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल में अगर आप देखें तो ये 3 बातें होती हैं, एक तो कितने पॉइंट आप कहाँ कहाँ पॉइंट लोकेट कर सकते हैं, एक तो इंटीरियर लोकेट कर सकते हैं, सर्कल के अंदर लोकेट कर सकते हैं, सर्कल के ऊपर लोकेट कर सकते हैं, और सर्कल के बाहर। जो सर्कल के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल पर होगा दैट इज पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और जो सर्कल के बाहर होंगे दे विल बी पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कुलर रीजन को हम डिस्कस करें। देखिए यहाँ पर, यहाँ इंटीरियर देके रखा है और सर्कल सर्कल के ऊपर के पॉइंट देके रखे हैं, और ये सारे पॉइंट्स मिलकर ही सर्कुलर रीजन बनाते हैं। पॉइंट ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, दे आर ऑन द सर्कल। एंड हियर पॉइंट पी, पॉइंट आर, पॉइंट क्यू, ये जो है दे आर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सो ऑल द पॉइंट्स लाइक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर टुगेदर मेक द सर्कुलर रीजन। इन द फिगर द सर्कुलर रीजन इज शेडेड, यहाँ देखिए शेड करके रखा है, इसको कलर करके रखा है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय दिस, थैंक यू वेरी मच. फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो, सर्कल पार्ट 2.